गोंडा जिले के 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 16 ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां डॉक्टर और नर्स की पोस्टिंग है और प्रसव भी कराए जा रहे हैं, लेकिन बिजली न होने के कारण मोमबत्ती के उजाले में प्रसव कराए जा रहे हैं। ताज़ा मामला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छपिया का है, जहां मोमबत्ती के उजाले में प्रसव कराने का वीडियो वायरल हुआ है। और वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कि कैसे अस्पताल के हालात हैं और यह क्या बयां कर रहे हैं। अब आप सुनिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी एस के श्रीवास्तव का क्या कहना है। सर, ये जनपद में कुल 50 PSC है और 16 CSC है, और 16 CSC में आज भी इस आधुनिक युग में मोमबत्ती के उजाले में प्रसव हो रहा है, क्या है, क्या मामला है, कैसे इसको देखिए? जो मोमबत्ती के उजाले में हमारी PSC की बात आप कर रहे हैं, वो न्यू PSC है, 16 है न्यू PSC। वही निर्मित हुई है, 2012 से क्रियाशील हुई है, और उनके एस्टिमेट में विद्युत कनेक्शन का भी पैसा शामिल था। वो संबंधित विभागों ने अभी 8 केस में तो जमा कर दिया है, 8 केस में भी वो लंबित है, 8 PSC। ये कुछ CSCs 2008 से है, और आप कह रहे हैं 2012 की बात कह भी रहे हैं, क्रियाशील हुई 5 साल हो गए, क्या 5 साल में मतलब 500 बच्चे भी नहीं हुए होंगे? नहीं, और वहाँ लाइट नहीं है। मेरा रिकॉर्ड कह रहा है ये जो कार्यदायी संस्था थी उसको ये काम करना चाहिए था, आधे केस में तो उन्होंने कर दिया है, पैक्सफेड और उत्तर प्रदेश राज्य की निर्माण निगम ने तो आधे केस में कर दिया है। अभी भी हमारे पास 8 PSC ऐसी हैं न्यू PSC जिसमें विद्युत संयोजन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उन्होंने फंड जमा नहीं किया, जो उसकी फीस होती है, जो उसका पैसा होता है, चार्जेस जमा नहीं किया है। इसमें आप अपने स्तर से क्या कार्रवाई करते हैं? हमारे स्तर से देखिए, इतनी मोटी फाइल है, पत्राचार चल रहा है, और चूँकि प्रकरण जो है काफ़ी पुराना होने जा रहा है, 5 साल हो गया है, तो इसमें ट्रेस करने में समय लगेगा। इस बीच में कैसे कौन सा विकल्प आप दे रहे हैं कि ताकि प्रसव वहाँ हो जाए, आसानी से हो जाए, ठीक से हो जाए, लाइट में हो जाए, क्या है, क्या विकल्प दे रहे हैं? डे आवर्स के प्रसव तो होते ही है, डे आवर्स के प्रसव तो होते ही है। अगर रात में कोई महिला को प्रसव होना हुआ, थोड़ी दिक्कत तो है, कोई इसके लिए कोई विकल्प या कोई आदेश आप जारी कर रहे हैं ताकि प्रसव में कोई दिक्कत ना हो रात में? रात में ही आर्टिफिशियल लाइट में किया जा सकता है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।